अब अपने आटे को इस तरह से कर लेंगे हम और पेड़ों के लिए काटते जाएंगे थोड़े थोड़े रखते जाएंगे समोसों के लिए जो हमने। पेड़े हमने बना लिए थे, अब इनकी बनाते हैं हम पट्टियां समोसों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमान से आ रहे हैं, उसके लिए आप पहले से तैयारी करके रखें। और ये समोसे बहुत ही इजी रेसिपी है जो आप लोगों के साथ हम शेयर करने लगे हैं। इसमें डालूंगी मैं 1 स्पून डालूंगी इसमें मैं नमक का, 1 स्पून नमक डाल दिया। और ये घी है जिसको मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया। और ये डालूंगी मैं इसमें, इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी मैं। मिक्स अच्छी तरह, इस तरह से मैंने, ये देखिए घी हमारा इतना हो, मुट्ठी बनने लग जाए और ये इससे इतना क्रिस्पी पन आता है समोसों में। अब पानी डालेंगे 1 प्याली के करीब, क्योंकि 2 प्याली हमारा बेसन मैदा है। 1 प्याली डाल दी है मैंने, आधी प्याली डाली थी घी की। और आधी प्याली 1 प्याली डालूंगी पानी की और इसे अच्छी तरह से मैं गूंद लूंगी। घी से इतना ज्यादा क्रिस्पी पन आता है समोसों में। आलूओं को मैंने इस तरह से काट लिया, अब चूल्हे पे इनको उबाल लेंगे। आलू हमारे उबलने शुरू हो गए हैं, ये काट के जल्द हमारा काम हो जाता है। ये आटे को इस तरह से मैंने गूंद लिया, ना ज्यादा नरम होगा और ना ही सख्त होगा। आटा हमारा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है, ये देखिए इस तरह से आटे होना चाहिए। इसे हम ढक के रख देंगे। और इधर हमारे आलू भी उबल चुके हैं, अब पहले हम इनकी बनाते हैं। तो में डालने के लिए ये प्याज को तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने डाला है 1 स्पून ऑयल और प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि प्याज का कच्चापन खत्म हो जाएगा। धनिया साफ कर लूंगी मैं, धनिया साफ करेंगे, प्याजों को अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी ताकि इनका कच्चापन खत्म हो। धनिया साफ कर ले, ये आलू जो हमने उबाले हैं ये डालेंगे। आलू डाल लेंगे, आलूओं को इस तरह से करके उबाले हैं जल्द उबल जाते हैं। क्रिस्पी मजेदार समोसे तैयार करेंगे हम। इसमें डालेंगे आलूओं में ये सूखा धनिया 1 स्पून, 1/2 स्पून डालेंगे इसमें लाल मिर्च, 1/2 स्पून डालेंगे इसमें नमक, 1/2 स्पून डालूंगी इसमें मैं ये लाल कुटी हुई मिर्च और जीरा पाउडर, ये लाल मिर्च डालेंगे। अब डालूंगी जो हमने ये प्याजों का कच्चापन खत्म किया ये डाल देंगे। अब इनको मिक्स करेंगे, बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार ये समोसे बनेंगे हमारे। समोसों का मिक्स इसी तरह से रखते जाएंगे।
से कर देना, इस तरह से बनाएंगे, उधर में से काटते जाएंगे। इतनी मोटी होनी चाहिए। अब बनाते हैं इसका, पानी लगाएंगे इधर, समोसों की शेप दे दी है हमने इसे, इस तरह से हमारा मिक्सचर भर लेंगे इसमें। रोज़ों के लिए आप फ्री बना के रख सकते हैं आराम से, बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। पानी लगाएंगे और यहाँ से पकड़ के इसे इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे अपनी प्लेट में। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के साफ सुथरे घर में समोसे तैयार करें, इंजॉय करें। इस तरह से बनाते जाएंगे माशाल्लाह से, ये इस तरह से आप फोल्ड कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। और देखिए बिल्कुल समोसे वाली शेप है इसकी। पकड़ें, मसाला भरें, पानी लगाएं, घर में साफ सुथरा समोसा तैयार करें, इस तरह से रखते जाएं। माशाल्लाह से समोसे बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। घी को गर्म कर लेंगे और इसमें डालेंगे। बहुत ही मज़े के टेस्टी साफ सुथरे घर में समोसे तैयार करें, इंजॉय करें, मज़े के लगते हैं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट नरम और क्रिस्पी हमारे समोसे तैयार हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे अपने डालेंगे समोसे। घी को आप एक बार अच्छी तरह से गर्म होने दिया करें, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डालते जाएंगे। आंच को तो ज्यादा तेज नहीं रखना, हल्का रखना है, क्योंकि फिर ये अच्छी तरह से पकते हैं अंदर से और क्रिस्पीपन ज्यादा आता है। से समोसे तैयार हो चुके हैं, निकालते जाएंगे अपनी प्लेट में। बहुत ही सॉफ्ट कलर देखें माशाल्लाह से इसका। डालेंगे मसीर, डालते जाएंगे। माशाल्लाह से समोसे क्रिस्पी पान इनका मजे के। आंच को हमने हल्का रखा हुआ है। निकालेंगे प्लेट में। माशाल्लाह से समोसे क्रिस्पी मज़ेदार बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं, जो बहुत ही मज़े के टेस्टी बने हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब दें हमें इजाज़त, मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।